हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें हम बनाएंगे अंकुरित दाल। जी फ्रेंड्स, यह इतना हेल्दी रहता है कि आप इसे रोज अपनी डाइट में शामिल करो तो आपका जो प्रोटीन का स्रोत है वह भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने इसमें तीन तरह की दाल बनाई है। तो हमारा यह हेल्दी स्प्राउट्स है और मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए हैं सारे हेल्दी हैं। तो आप एक बार यह स्प्राउट्स की रेसिपी जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से अपन रेसिपी देख लेते हैं कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने यह तीन तरह की दाल ली हैं और इन्हें 6 से 7 घंटे सोख करके रखा है। तो यह अच्छे से सोख हो चुकी हैं और इसे हम छलनी में निकाल देंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। तो आप देख रहे हो मैंने यह मूंग दाल ली है, रमास ली है और मोठ ली है। इस तरह तीन तरह की दाल ली है। आप चाहो तो 4 तरह की ले सकते हो। इसमें काला चना भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत हेल्दी रहता है। अब इसे हमें सोक करने के बाद 1 दिन के लिए अंकुरित होने के लिए रखना है। तो मैंने एक दुपट्टा लिया है जिसमें हम इस दाल को भान कर रख देंगे 1 दिन के लिए, जिससे यह दाल हमारी अच्छे से अंकुरित हो जाएगी। और भान कर इसे एक गर्म जगह पर रखिएगा जिससे यह अच्छे से अंकुरित होगी। और अंकुरित करके जब हम यह दाल यूज़ करेंगे तो और भी टेस्टी हो जाएगी। वैसे तो आप ऐसे भी बना सकते हो बिना अंकुरित किए हुए भी, बहुत ही अच्छी लगती है। बट मैं जब भी बनाती हूँ इन्हें अंकुरित ज़रूर करती हूँ। तो मैं इस तरह से भान कर एक गर्म जगह पर रख दूंगी 1 दिन के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे कपड़े से निकाल कर एक प्लेट में कर लिया है और इसे एक बार वॉश कर लिया है, क्योंकि हम जब कपड़े में भान कर रखते हैं तो हल्की सी गर्मी के कारण यह चिपचिपी सी लगने लगती है। तो एक बार वॉश कर लीजिएगा और आप देख रहे हो यह अच्छे से अंकुरित हो चुकी है। तो अब चलिए इसे हम बनाएंगे। तो इसे हम पहले थोड़ा सा छोंक लेंगे, जिसके लिए मैं एक पैन में 1 टेबल स्पून घी लूंगी और इसे अच्छे से गरम कर लूंगी। घी में जब हम यह अंकुरित दाल बनाते हैं बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने फ्लेम को ऑन किया और अब इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तो यह घी अच्छे से गरम हो चुका है। तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून जीरा और थोड़ी सी हींग डालूंगी, इससे थोड़ा जो फ्लेवर है वह अच्छा आएगा। तो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद हम यह अंकुरित दाल इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। इससे क्या है फ्लेवर अच्छा आता है। तो ज़रूर डालिएगा। अब इन मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स करना है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको जल्दी है तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हो। बट कुकर में क्या होता है, जो मूंग दाल है जल्दी से गल जाती है और जो मोठ और रमास है वह नहीं गलती है, जिसके कारण जो मूंग दाल है हमारी घुट जाती है। तो मैं इसे अक्सर कढ़ाई में ही बनाती हूँ। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे अब कवर करके हमें दाल सॉफ्ट होने तक पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है और फ्लेम को जो है लो रखना है, जिससे जो दाल है हमारी अच्छे से सॉफ्ट होगी, जलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, दाल को गलते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो इसे एक बार चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो जो दाल है हमारी अच्छे से गली हुई लग रही है। और एक बार हम हाथ से थोड़ा क्रश करके भी देखेंगे। तो मैं इसे हाथ से देखूंगी इस तरह से दबाकर। तो आप देख रहे हो जो दाल है 90% बेक हो चुकी है। मैं इसे 90% ही बेक करती हूँ, क्योंकि खाते समय जो स्प्राउट्स में थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है वह अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो इसे 100% भी बेक कर सकते हो। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे बेक कीजिएगा। अब इस दाल को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही इसमें हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, दाल अच्छे से ठंडी हो चुकी थी तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे हेल्दी हेल्दी। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं, जिसमें मैंने एक चॉप किया हुआ सेब डाला है। फ्रेंड्स, मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले से काट के रख लिया, जिसके कारण यह लाल हो गया है। आप साथ ही साथ काट लीजिएगा। और अब इसमें हम एक टमाटर डालेंगे और इसमें जो भी वेजिटेबल हैं आप अपने पसंद की यूज़ कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई अनियन डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो डालिएगा ज़रूर। और जो भी इंग्रेडिएंट्स आज हम यूज़ करेंगे उससे जो हमारे स्प्राउट्स हैं और ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। 2 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू यूज़ करेंगे और यह हम खीरा डालेंगे, इससे भी थोड़ा क्रंचीनेस आएगा तो जो स्प्राउट्स में और अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा। और इसी के साथ मेरे पास अनार रखा था तो मैंने यह
अनार डाल दिया है, इससे जो खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने बचा लिया था। अब इसी के साथ इसमें हम यह बारीक चॉप की हुई पत्ता गोभी डालेंगे। आपको नहीं डालनी, अगर पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, इससे भी वैसे जो क्रंचीनेस आएगा बहुत टेस्टी लगेगा। और एक नींबू का रस डालेंगे, और अब इसमें हम मसाले डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ पहले धनिया डालेंगे, और अब इसमें हम मसाले डालेंगे, तो जिसके लिए मैं इसमें 1 से 1.5 टीस्पून चाट मसाला डालूंगी, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो मैंने 1.5 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाला है, और लास्ट में इसमें हम यह खट्टी मीठी सौंठ डालेंगे। और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, या उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वह बना लीजिएगा। तो मैंने 2 टीस्पून इसमें यह खट्टी मीठी सौंठ डाली है, और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जो देख रहे हो मैंने कितना हेल्दी वर्जन में यह स्प्राउट्स बनाया है, और साथ ही साथ जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसके साथ ही यह टेस्टी भी बन गया है। तो आप एक बार यह रेसिपी ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और पसंद आए तो ही चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप अभी तो कर दोगे फिर 2 दिन बाद आपको रियलाइज़ होएगा कि हमने गलत चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप फिर उसे अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो इससे कुछ नहीं, थोड़ा सा दिल दुखता है। मैंने तो बस यह चैनल जो है अपने शौक के लिए ओपन किया है, क्योंकि मेरे को घर बैठे कुछ करना था, तो मैंने सोचा कुछ किया जाए, तो यह चैनल ओपन किया और अपनी जो रेसिपीज़ हैं आप सभी के साथ शेयर की हैं। तो इसलिए आप पहले देखिए 2-3 वीडियो, तो आपको लगे कि नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना है तो ही कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। तो अब मिक्स करने के बाद इसे हम पहले हल्का सा टेस्ट कर लेंगे, और इसमें कोई भी कमी है, मसाले कम हैं तो वह भी एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने टेस्ट किया इसमें, तो मेरे को थोड़ा खट्टी मीठी वाली जो सौंठ है कम लगी, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून और सौंठ डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, और फ्रेंड्स आपको इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स स्किप करने हैं तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको स्प्राउट्स वैसे ही खाने हैं बिना कोई वेजिटेबल यूज़ किए हुए, वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि जो स्प्राउट्स हैं हर तरीके से हेल्दी रहते हैं, और जो डाइट करते हैं उनके लिए तो यह ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी वर्जन है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद तो चलिए सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो हमारा आज का यह हेल्दी नाश्ता कितना टेस्टी बना है। जो भी हमने वेजिटेबल इसमें यूज़ किए हैं उससे जो स्प्राउट्स का टेस्ट है बहुत ही हेल्दी है, और आप बच्चों को भी इस तरह से वेजिटेबल खिला सकते हो, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा आई एम श्योर यह वेजिटेबल्स स्प्राउट्स। तो आप मेरी यह स्प्राउट्स की हेल्दी सी टेस्टी सी रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। और अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा अनारदाना जो बचा कर रखा था वह डाल देंगे, और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, हमारे यह हेल्दी वेजिटेबल स्प्राउट्स ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करें, बनके बिल्कुल तैयार है। तो आप इस तरह से अगर यह स्प्राउट्स बनाओगे तो वह और ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन जाएगा, और बच्चों को भी सारी वेजिटेबल्स खिला पाओगे। पसंद आए तो ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। मैं आपको फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।